जय हिंद सर। जय हिंद। कहाँ से आए आप? इंदौर से। इंदौर कहाँ से? छत्रीपुरा पुलिस लाइन से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खरगोन जिले के। खरगोन मध्य प्रदेश के ही आप जी। चलो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? ललित पाटीदार। आपके बेटे हैं जी? सर जी। कितनी क्लास कहाँ तक पढ़े आप? सर मेरा बीकॉम थर्ड ईयर चल रहा है जी। कितनी एज है आपकी? मेरी 5.5 साल। कहाँ में जाना चाहते हो? फौज। फौज में जाना चाहते हो? क्यों जाना चाहते हो फौज में? देश की सेवा करना है और माता पिता का नाम रोशन करना है। बड़े गर्व की बात है बाबू। पिताजी जो आपके बापूजी हैं वो पुलिस में हैं और आप फौज में जाना चाहते हो। प्राउड ऑफ यू बाबू। इसके लिए कुछ कंडीशन कुछ शर्त अप्लाई होती है। इसके लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। कभी आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। और इसके बाद में प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 अंक होना चाहिए और जो टोटल एग्रीगेट होता है आपका 45 प्लस होना चाहिए। कभी ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो जी हाँ आप फौजी बन सकते हैं जी। सर ये कंप्लीट है ना। और वही 1600 मीटर रेस होती है। आपको 5 डाउन में लगाना पड़ता है। इसके बाद में 10 बीम होते हैं और 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट प्लस होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फ्लॉर होना चाहिए, है ना जी। कौन कौन सी वीडियो देखी है आपने? रनिंग वाले और बीम वाले और पुशअप वाले लग देखे थे। क्या सीखने को मिला उन वीडियो से आपको? मोटिवेट, हम बहुत मोटिवेट हुए। मतलब हमारा भी आने का उद्देश्य है कि हम भी जाएं सर के वहाँ एकेडमी में और रनिंग करें और हम फौज में जाएं। सर आपने कौन कौन सी वीडियो देखी आपने? मैंने आपका रनिंग का भी देखा, बहुत बढ़िया लगा। और बीम का भी देखा, वो भी अच्छा लगा जी जी। बोला फेंक का भी देखा, ऐसा उसमें आपकी सारी कार्रवाई अच्छी लगी और कमांड भी बहुत बढ़िया रही जी। और लड़के भी जी जान से मेहनत करते हैं और आप भी पूरे जी जान से रूप से कोशिश करके और अगर आपकी बहुत अच्छी मेहनत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप पुलिस में और बेटा फौज में जा रहा है, यही हमारा उद्देश्य है कि बच्चा कुछ आगे नाम ऊंचा करे अपने से, अरे वाह, देश की सेवा करे, ऐसे माता पिता सबको दे। कितना बाबू देखो आप, बाबू तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं बताइए। आपको घर से दूर तो आप फौज में क्यों जाना चाहते हो? देश की सेवा करना है बस, एक ही उद्देश्य। एक ही उद्देश्य, चलो ठीक है। अपने मध्य प्रदेश में बहुत सारी एकेडमी है, आप इंदौर फिजिकल एकेडमी को चुना आपने? यहाँ चुनने का मेरा एक ही उद्देश्य था क्योंकि यहाँ पर बाहर से बच्चे आते हैं जैसे उड़ीसा हुआ, राजस्थान हुआ, उनके साथ अगर हमारा कॉम्पिटिशन होगा तो और मजा आएगा और उनके साथ मेहनत करने में और मजा आएगा जी जी जी। और आप है मोटिवेशन हमारे, आप जानते हो बाबू अभी जबलपुर और ग्वालियर का रिजल्ट आया है ना, 11 बंदों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद में अभी जनवरी फरवरी 2020 में सर जी अपने यहाँ से 41 बच्चे फौजी बने हैं। अभी भोपाल और महुआ का रिजल्ट आउट हुआ था फरवरी माह में, है ना, 2020 की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया बाबू। सिलेक्शन का मतलब ये कि बंदे यहाँ पर अच्छे हैं, बंदे ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं। और बाबू मैं आप खुद जानते हो, मैंने 3 बार इंडियन आर्मी का मेडिकल और फिजिकल क्लियर किया। दादा सर जी मैं बस पूरा अपना अनुभव शेयर करता हूँ कि किस तरह वहाँ पर दौड़ होती है, किस तरह वहाँ पर बीम लगाया जाता है, किस तरह चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। हाँ जी, हर चीज जो फौज में होता है वही चीज मैं आपको अप्लाई करता हूँ क्योंकि और काफी एक्सपीरियंस हो गए, 7 साल हो गए करवाते करवाते, अनुभव भी अच्छा है। तो बस मेरा तो ये सिद्धांत है, आपके माता पिता ने आपको इतना यहाँ पर छोड़ा है विश्वास से, उम्मीद से, और बस आपको अपने जो बापू पुलिस में है इनकी उम्मीद पर आपको खड़े उतरना है, है ना। और आप जानते हैं ट्रेनिंग की जो फीस आपके मात्र 5000 रुपए है, रहना और खाना आपका 4000 पर मंथ लगेगा। और आप तो अपने इंदौर के ही हैं, छत्रपुरा के रहने वाले हैं? छत्रपुरा पुलिस लाइन जी जी, पुलिस लाइन के सर क्वार्टर में लाओ ना। अरे बाबू अच्छी बात है, तो आप तो आना जाना घर से कर लेना और बस ट्रेनिंग के लिए आ जाना, ठीक है ना। तो साथियों आप खुद देखिए यहाँ पर बापू जो पुलिस में है और बेटा आज फौज की तैयारी के लिए घर से निकल पड़ा है, प्राउड ऑफ यू। और कभी आपको भी इंदौर फिजिकल एकेडमी आना है तो आप भी बेझक आ सकते हैं क्योंकि पुलिस वाले इंसान ने, जवान ने इतना ट्रस्ट करके यहाँ पर छोड़ा है। तो मैं मालिक से यही करूंगा कि मालिक इनका विश्वास हमेशा बरकरार रहे, बना रहे। थैंक यू सो मच। और कभी आपको भी इंदौर फिजिकल एकेडमी आना है तो आप बेझक निसंकोच आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वर्दी वाले इंसान अपने यहाँ पर शिफ्ट करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर फौजी भाई भी आए हैं, फौजी भाई ने भी अपने बेटे का अपने भाई का यहाँ पर एडमिशन करवाया है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने माता पिता को जरूर बताएं और कभी आप इंदौर फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को जरूर साथ में लेकर, जैसे दादा आए हैं अपने भैया आए हैं अपने पिताजी को लेकर, क्योंकि यहाँ का पूरा चाल डाल देगा किस तरह ट्रेन करते हैं, किस तरह यहाँ पर बच्चे रहते हैं, बच्चों का कैसा यहाँ पर स्कोप है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।